लोकसभा चुनाव को लेकर 11 जनवरी को कांग्रेस पश्चिमी यूपी के मेरठ से शंखनाद करने जा रही है। संगठन को मजबूत करने पर भी मंथन होगा और 80 लोकसभा सीटों पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए उस पर भी मंथन होगा। इसी पर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा जी। डॉली जी, 11 तारीख से बड़ा शंखनाद पश्चिमी यूपी की धरती से? देखिए, बिल्कुल, आने वाली 11 तारीख को कांग्रेस की कार्य समिति बैठक होगी और उस बैठक में हम लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। हम अपने संगठनात्मक तैयारियां करेंगे और हमारे सारे जिला शहर की इकाइयां, हमारे राष्ट्र महासचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी सचिव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिला शहर के लोग सभी आएंगे, चर्चा करेंगे और चुनाव तैयारियों में जुटेंगे हम लोग। अभी आपने ब्राह्मणों को लेकर तमाम बातें करी, विनोद उपाध्याय का आपने जिक्र किया, क्या ब्राह्मणों की जो बातें हैं उनको प्रमुखता से कांग्रेस उठाने जा रही है? देखिए, मुझे लगता है लगातार जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज देश के लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है। न्यायालयों से ऊपर उठ के जिस तरीके से बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरीके से ये गन पॉइंट पर आप देखिए शूट आउट हो रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र को तार तार करने का तरीका है। आप योगी आदित्यनाथ देश के न्यायालय से ऊपर नहीं हो सकते, योगी आदित्यनाथ हमारे कानून से ऊपर नहीं हो सकते। देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू से चलती आई है। जब राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की, तो भी कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए कभी भी इस तरीके के काम नहीं किए। एक न्यायालय की प्रक्रिया के तौर पर उनकी उनके साथ जो अपराधी थे उनकी पूरी जांच हुई और मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के हिसाब से सारी चीजें हुई। तो कोई भी सरकार न्यायालय से ऊपर नहीं हो सकती, जांच की प्रक्रिया से ऊपर नहीं हो सकती। आप ऐसे किसी को गन पॉइंट पर शूट नहीं कर सकते। यही हमारा कहना है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बनारस कांड का आपने जिक्र किया जी, और तमाम तरह का बीजेपी को घेरा। प्रधानमंत्री क्योटो बनाने चले थे, आज उत्तर प्रदेश के बनारस में, जहां प्रधानमंत्री, जहां के संसद के प्रतिनिधि हैं, जब हर किसी की जवाबदेही प्रधानमंत्री जी तय करते हैं तो प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की जवाबदेही उनकी है। बीएचयू में एक मेधावी बेटी के साथ इस तरीके के बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के, भारतीय जनता पार्टी के संयोजक, सह संयोजक जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने बलात्कार किया। बलात्कारियों को संरक्षण 60 दिन तक भाजपा ने दिया और संरक्षण देने के बाद उनको दबाव में जब प्रदर्शन किया गया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उन्हें अरेस्ट किया गया। लेकिन आज देश में एक दूसरे तरीके की पॉलिटिक्स भी चालू हो गई है, जहां बलात्कारियों को भाजपा के मंचों पर सुसज्जित कर हार पहनाए जाते हैं। हमें डर है, जैसे टैनी के बेटे को बचाकर पुलिस ने चाय पिलाई किसानों की हत्यारों को, जैसे बिल्किस के अपराधियों को हार पहनाए गए, ऐसे ही कल को इनके साथ भी होगा। मैं मांग करती हूं कि बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी बेटी के साथ ऐसे अत्याचार और अपराध ना हो। उत्तर प्रदेश आज बेटियों के साथ अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। एनसीडब्ल्यू की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी आपने सवाल किया। एनसीडब्ल्यू में की जो रिपोर्ट आई है उसमें देश में जितने केसेस हैं उसमें 50% केस सिर्फ उत्तर प्रदेश से आते हैं। सोचिए, आज उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है। चाहे किसानों के मामले की बात करो, चाहे बेटियों के मामले की बात करो, चाहे खुले तौर पर गन शूटआउट की बात करो, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है अयोध्या का, क्या आप देख रहे हैं कि तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रभु राम है उस सियासत के केंद्र बिंदु में भी आपको लग रहा है कि एक तरफ कुछ लोगों को इन्विटेशन दिए, कुछ लोगों को नहीं दिए, किस नजरिए से देख रहे हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड? देखिए, शंकराचार्य जी ने भी आने से मना कर दिया, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को राजनीति का केंद्र बना दिया। भगवान राम सबके हैं, गीता में लिखा है तुम में राम, मुझ में राम, कण कण में राम, हर चीज में भगवान राम है। और यही बात है कि भगवान राम आस्था का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि भाजपा ये यहां बलात्कारी संस्कारी हो गए, और वही बलात्कारी जो संस्कारी है वो आज भगवान राम की बात कर रहे हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादा में जीवन जीना लोगों को सिखाया, एक संदेश दिया कि मर्यादा में जीवन कैसे जिया जाता है। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के उस मर्यादा में जीवन जीने का अनुसरण करे, फिर भगवान राम की बात करें। 80 सीटें कह रहे बीजेपी की, लोकसभा की 80 सीटें जीतेंगे इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कहती, वो तो कह रही थी अभी राजस्थान उपचुनाव भी हम जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी कल राजस्थान उपचुनाव में सीट जीत चुकी है। देश की जनता आज महंगाई से, बेरोजगारी से, आज किसान एमएसपी ना मिलने से, छोटा और मध्यम व्यापारी गलत जीएसटी लगने से, व्यापार ठप होने से परेशान है, और देश की जनता आने वाले 2024 में इनको जवाब देने जा रही है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अकेले ही बहुत, 80 के लिए तो 38 पार्टियों की क्या जरूरत है।
एक अकेला थकेला हो गया क्या अब कि आपको 38 पार्टियां दिखानी पड़ी? बोल बच्चन वाली बातें ना करें, देश की हकीकत समझें। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, देखिए अभी रिपोर्ट आई, आज देश का व्यापारी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करता है, आज ट्रक ड्राइवर्स फिर हड़ताल कर रहे हैं। आप उल्टे सीधे कानून लाते हो, देश के किसान को एमएसपी नहीं दे रहे, देश की बेटियों को आप न्याय नहीं दे रहे, आप कौन सी बातें कर रहे हो? आज आने वाले 2024 में इनको ये कड़क जवाब देश की जनता देने वाली। आखिरी सवाल है कि गठबंधन में क्या मायावती भी आ रही हैं या कोई बातचीत चल रही है, या आप कोई कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, देश के लोकतंत्र को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तार तार किया है, ऐसा पहले देश में कभी नहीं हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और अगर मायावती जी आएंगी तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस स्वागत करेगा, उन्हें आना चाहिए लोकतंत्र को बचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।